गुजरात सरकार ने जब इस अवकाश की घोषणा कर दी तो हमने भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी से मांग की कि भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये बीच के अंदर एक अवकाश नहीं आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करें और प्रयोग करते हुए राज्य के 7 लाख कर्मचारी और 5 लाख पेंशनधारियों को लाभान्वित करें और अवकाश घोषित करें। तो और आप जानते हो कि हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री है वो भी ये चाहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक मतलब कहने का मतलब एक माहौल बन रहा था हिंदू दीपावली का। तो हम राज्य कर्मचारियों ने हमने बहुत ही खुशी व्यक्त की है और भजन लाल जी को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के नाम कल ज्ञापन दिया था, लेकिन ये मुहिम हमारे प्रदेश एकीकृत महासंघ की पिछले एक हफ्ते से चल रही थी कि जो दीपावली का त्यौहार है वो 1 नवंबर को बीच में छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे नहीं था, और 31 की दीपावली की अवकाश थी और 2 और 3 की अवकाश थी। तो जब मध्य प्रदेश में और गुजरात सरकार ने जब इस अवकाश की घोषणा कर दी तो हमने भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी से मांग की कि भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये बीच के अंदर एक अवकाश नहीं आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करें और प्रयोग करते हुए राज्य के 7 लाख कर्मचारी और 5 लाख पेंशनधारियों को लाभान्वित करें और अवकाश घोषित करें। तो और आप जानते हो कि हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री है वो भी ये चाहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक मतलब कहने का मतलब एक माहौल बन रहा था हिंदू दीपावली का। तो हम राज्य कर्मचारियों ने हमने बहुत ही खुशी व्यक्त की है और भजन लाल जी को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रदेश एकीकृत महासंघ की और ज़िले के जितने भी एकीकृत महासंघ थे उनकी मांग को उन्होंने पूरा किया और 1 तारीख का अवकाश घोषित किया। अब 31, 1, 2 और 3 4 दिन की अवकाश रहेगी, इसलिए कर्मचारी लोग क्या है कि आराम से अपनी दीपावली मनाएंगे। दीपावली 2024 के शुभ अवसर पर अजमेर वासियों को, अजमेर के राज्य कर्मचारियों को, राजस्थान के 7 लाख राज्य कर्मचारियों को मैं अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अजमेर की जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप दीपावली के त्यौहार में गरीब लोगों की भागीदारी निभाएं, उनसे जो छोटे छोटे जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं और जो कोरोना काल से उभर के आए हैं उनकी मदद करिए, उनकी भागीदारी बनिए, उनकी दीपावली के अंदर उनके परिवार के हिस्सेदार बनिए, उनसे खरीदारी करिए। जैसे कि कोई छोटे दीपक बेचता है, कोई रोड के ऊपर अपने पाठे बेचता है, कोई फूले बेचता है, उन लोगों से आप उनकी हिस्सेदारी करके उनके जीवन को खुशहाल बनाइए, यही मैं शुभकामना देता हूँ। और साथ ही मैं ये भी जनता से अपील करता हूँ कि आप बच्चों को जो पटाखे छुड़ाएं उनके साथ मनोरंजन में भागीदार बनिए, लेकिन उनके साथ खड़े रहकर उनका मनोरंजन कराइए। कांति शर्मा, जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर।